एक बहुत ही बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा। एक और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हार का सामना करना पड़ा। तो सुबह से रुझान लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन अब रुझानों का वक्त गया, अब वक्त है जीत और हार के बीच का जो अंतर है उसको बताना, कौन जीता कौन हारा उसको बताना। और लगातार न्यूज वन इंडिया सुबह से आपको ये सब चीजें एक एक कर पल पल की खबर इन एंड आउट पूरी आपको बता रहा है, अनकट, कोई कट नहीं। और जो तस्वीरें आ रही है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ बीजेपी कार्यालयों से जिस तरीके की जश्न की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से अब तो बुलडोजर भी नजर आ रहा है, और जिस तरीके से मिठाई बट रही है, इमरती बट रही है, जलेबी बट रही है, और जिस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ पूरा बीजेपी कार्यालय अब हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहा है। इस बीच आपको बता दें कि कौन कहां से जीता है। तो बहेड़ी से सपा के उम्मीदवार अताउर रहमान जीते हैं, बीजेपी के छत्रपाल गंगवार को 6062 वोटों से हराया है। मुलायम के समधी बीजेपी प्रत्याशी हरिओम यादव हारे हैं। मिर्जापुर नगर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जीत गए हैं। जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव चुनाव जीत चुके हैं। बिस्वा विधानसभा से बीजेपी के निर्मल वर्मा चुनाव जीते हैं। उन्नाव सदर सीट से बीजेपी के पंकज गुप्ता जीत चुके हैं। बरौली से बीजेपी के जयवीर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। बधाई ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के विपुल देव चुनाव जीत चुके हैं। बिधुना से सपा की रेखा वर्मा चुनाव जीत चुकी हैं। बदलापुर से बीजेपी के रमेश मिश्रा चुनाव जीत चुके हैं। बबीरू से सपा प्रत्याशी विशंभर यादव जीत चुके हैं। देवरिया से बीजेपी के शलमबड़ी चुनाव जीत चुके हैं। बागपत विधानसभा से बीजेपी के योगेश धामा चुनाव जीत चुके हैं। फरिंदा से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेन्द्र चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। श्रावस्ती से बीजेपी के राम फेरन पांडे चुनाव जीत चुके हैं। तो बीजेपी को बंपर बहुमत, एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुमत से बहुत ज्यादा सीटें आके तो मेजॉरिटी तो दिख रही है, पूरी साफ दिख रही है। अब इसको रुझान कहें या इसको रिजल्ट कहें, तो रिजल्ट हालांकि ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर होने में काफी समय लगेगा, लेकिन इस बीच प्रतिक्रिया, पॉलिटिकल प्रतिक्रिया जिसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, तो हमारी भाषा के पॉलिटिकल प्रतिक्रिया के साथ सुरजेवाला साहब कांग्रेस से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम निराश जरूर हैं लेकिन हताश नहीं है। ये वैसा ही कुछ है जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि हारे जरूर हैं लेकिन हताश नहीं है, तो निराश जरूर हैं लेकिन हताश नहीं है। तो एक और चीज कहती हुई दिख रही है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, वो कह रही है कि हम वापस लौटेंगे नई रणनीति के साथ, तो ये रणनीति तो जमी नहीं है, अब नई रणनीति के साथ वापस आएंगे। फरीद अहमद साहब लगातार सुबह से बने हुए, लगातार जुड़े हुए, हम एक एक कर अपने सारे संवाददाताओं से बातचीत कर रहे हैं, 1-to-1 कनेक्ट कर रहे हैं। और हमारे साथ हमारे उत्तराखंड से स्टेट हेड गौड़ साहब भी लगातार बने हुए हैं। तो सबसे पहले फरीद साहब पर मैं जाऊंगा। फरीद साहब, ये जो आंकड़ा है, ये जो जादुई आंकड़ा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अब जादुई आंकड़ा तो क्रॉस हो चुका है, तस्वीरें साफ है, अब धुंध की अगर बात भी करें तो लास्ट लेयर जो है वो भी हट चुकी है। अब बड़े नेताओं की टाइमिंग भी फिक्स हो गई है, ऑफिशियल भाषण किस वक्त होना है यह भी फिक्स हो गया है, मीटिंग किस वक्त होनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वक्त होनी है, सब फिक्स है। और अभी कुछ घंटे पहले तक अखिलेश यादव ने एक आखिरी जो उम्मीद की किरण जगाई थी एक ट्वीट के सहारे, उन्होंने कहा था कि यह भ्रम फैलाने की कोशिश है लेकिन सब डटे रहो, लेकिन अब तो कार्यकर्ता भी समझ गए हैं कि डटना नहीं है, अब घर वापस चलना है, कड़ी चावल खाना है, बहुत हो गया। सुबह से लगातार डटे हुए थे, धूप बहुत है, रात भर ईवीएम की सुरक्षा की, ईवीएम की निगरानी की, किस लिए की? उस ईवीएम के अंदर तो बीजेपी का भाग्य समाया था और उसकी निगरानी कर रहे थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। तो अब ये बताइए कि यहां पर फरीद साहब किसका जो मनोबल है वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, टूटता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ एक और चीज पर बातचीत करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य इधर से गए उधर को गए, इस घर को छोड़ा उस घर को अपनाया, लेकिन इस बार तो फंस गए। मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं लेकिन इस बार मौसम वैज्ञानिक की कोई जो भी साइंटिफिक जो उनकी पोजिशनिंग थी वो काम नहीं करी है, इस बार फेल हो गए। कह रहे हैं निराश हूं, हताश नहीं हूं, आऊंगा 5 साल के बाद तो आऊंगा, लेकिन हार गए। तो बिल्कुल डाउन हुआ है। अगर बात करें जो बड़े बड़े कद्दावर नेता जो हारी है, ऑडियो का देखिए जरा, ऑडियो को फिक्स करिए, किसका ऑडियो है? ठीक है, फरीद साहब कंटिन्यू करिएगा। ये बड़ा अचानक इतना बड़ा फेर बदल है, ये बहुत बड़ी बात है।
इसमें जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी छोड़ दो, समाजवादी पार्टी का लोगों सामन सामन सिंह पवन प्रसाद मौर्य हो गए, धर्म सिंह सैनी हो गए, बड़े कद्दावर नेताओं के साथ साथ बहुत सभी पार्टी के करते थे, अचानक इतना बड़ा रिजल्ट जनमत आया है, इसमें जो आने वाली भविष्य है उसको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर कई उसको नजरिए देखो तो ये बड़े कद्दावर नेता थे, अगर इनका जिस तरह से हारना पार्टी छोड़ देते समाजवादी पार्टी को पकड़ना और इस तरह से हार होना, ये इनके राजनीतिक भविष्य को कहीं ना कहीं जरूर आशा डालेगा। कोई जोड़ो यार इसमें। साथ बने रहिए। और मैं ये और जानना, एक और चीज जानना चाहेंगे कि जो बड़ी जीतें हुई हैं आज, बड़ी जीतों में फरीद साहब, एक तो 1,80,000 के अंतर से पंकज सिंह जीत गए हैं, डिफेंस मिनिस्टर के बेटे हैं, और एक साथ 1,02,000 के साथ योगी आदित्यनाथ साहब जीत गए। जी, ये तो जो ये बड़ी बात है, बड़ी पंकज सिंह और योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा चेहरा है, जी बिल्कुल। तो आपको बता दें कि आज सुबह से ही लगातार न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हम दिखा रहे हैं कि कौन किस तरफ जा रहा है, और रुझानों के साथ शुरू हुई ये कहानी अब जीत और हार की दास्तां सुना रही है आपको। तो जीत रहा है कौन और हार रहा है कौन, आप लगातार मेरे आजू बाजू जो टैली चल रही है उसमें आप देख सकते हैं, ग्राफिकल कंटेंट के थ्रू ये ग्राफिक्स में तस्वीरें भी आ रही हैं, और जहां हरा ये राइट टिक दिख रहा है आपको तो इसका मतलब है जीत गए हैं, और जहां पर रेड क्रॉस दिख रहा है इसका मतलब है हार गए। और हरीश रावत साहब देखिए रेड क्रॉस के साथ हार गए, योगी आदित्यनाथ साहब मुस्कुरा रहे हैं और देखिए जीते पे राइट टिक मतलब जीत गए। तो पंकज सिंह भी जीत गए हैं और साथ ही साथ मोहन सिंह बिष्ट भी जीत गए हैं। तो ये जीते हुए की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, और साथ ही जो हार गया उसको रेड से क्रॉस कर दिया है। तो सुबह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरफ जो चुनाव है जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज जो स्पष्ट हो चुकी है, जो आखिरी लेयर है, जो धुंध की आखिरी लेयर है, जो हमने पहले भी कहा था कि 10 मार्च को ये पूरी धुंध साफ हट जाएगी और क्लैरिटी वाली पिक्चर जो आपके सामने आएगी HD क्वालिटी में, तो HD क्वालिटी में आज जो पिक्चर आ रही है वो ये है कि धुंध की आखिरी लेयर भी हट चुकी है। और HD में आपको बता दूं तो रियलिटी यह है कि बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, उत्तराखंड में आ चुकी है, पंजाब में आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने एक चमत्कार किया है, एक मैजिक किया है। ये मैजिक हमने 2014, 2017 और 2019 में पीएम मोदी के नाम पर देखा था, लेकिन ये मैजिक एक और मैजिक है जो आम आदमी पार्टी ने दरअसल पंजाब में किया है, और पंजाब में इस मैजिक के साथ अब आम आदमी पार्टी कितनी लंबी छलांग लगाने वाली है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन भगवंत मान मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं, अब तो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे बहुत जल्द, अब वो तस्वीर भी आएगी जब वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। लेकिन उससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी दो जगह से चुनाव लड़ा, मतलब एक जगह स्पष्ट नहीं थे लेकिन दो जगह से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से चुनाव हार गए। तो इस बीच जो धुंध की मैं बात कर रहा हूं, लगातार धुंध की बात कर रहा हूं, लेकिन धुंध देख के छट चुके क्योंकि बड़े नेता भी अब पहुंच चुके हैं। और ये देखिए बीजेपी कार्यालय से सीधी तस्वीरें, बीजेपी कार्यालय से तस्वीर, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, ये बताती है जहां पर पार्टी के बड़े नेता और पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी दिख चुके हैं। तो ये पार्टी कार्यालय की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये सबसे हॉट वीडियो है आज का, सबसे हॉट तस्वीर है आपकी। देखिए अब बुलडोजर लेकर, बुलडोजर जो कि दरअसल बीजेपी की, मैं बराबर बार बार कह रहा हूं,
बीजेपी की स्पीच में, बीजेपी के नैरेटिव में, बीजेपी के भाषणों में, बीजेपी की रैलियों में, और अब देखिए जीत के बाद बीजेपी के जश्न में भी शामिल होने आया बुलडोजर। और बुलडोजर में इस बार खुद बैठ कर आ गए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और सपोर्टर्स। तो ये देखिए आज जब जश्न की तस्वीर आ रहे हैं तो जश्न की तस्वीरों में भी सहभागिता अपनी निभाने आ चुका है ये बुलडोजर। तो बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीत के बाद अब बाबा का बुलडोजर जो है वो जश्न में शामिल होने आया है। तो रैलियों में दिखता था लेकिन अब जश्न में भी दिख रहा है। तो बुलडोजर की अपनी यूएसपी बना दी है अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। तो अब देखिए एक और बार रिपीट है, और रिपीट के साथ एक और चीज़ बता दूं कि इतिहास है कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ साहब ने एक और इतिहास रच दिया है कि 1,02,000 वोटों के साथ तो जीते ही हैं और रिपीट भी कर दिया है। और देखिए ये तस्वीरें, ये परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता आज कितने खुश हैं और हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहे हैं और बुलडोजर लेकर। अब जश्न की तस्वीर आप देख सकते हैं, लेकिन इससे पहले जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा था वो बीजेपी कार्यालय की थी। वहां पर बड़े नेता लगातार पहुंच रहे हैं, बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। किसी भी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आ सकती है, किसी भी वक्त। तो ये देखिए आपको तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज सुबह से ही, जैसे ही रुझान आना शुरू हुए तो पहले ही घंटे से तस्वीर साफ हो गई थी कि बीजेपी जो है वो लगातार आगे है, और बीजेपी ऐसे आगे रही, ऐसा लीड लिया बीजेपी ने कि उस लीड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। लगातार बीजेपी लीड लेकर आगे चलती रही और उस लीड को तोड़ना मुश्किल हो गया। और ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी रहा। उत्तराखंड में ही सुबह जैसे ही हुई, जैसे ही रुझान का पहला जैसे ही राउंड क्लियर हुआ, तब से ही बीजेपी आगे, और आगे ऐसे रही कि बीजेपी आगे ही है। हालांकि उत्तराखंड में एक वक्त तो लगा था कि टक्कर हो सकती है, लेकिन वो टक्कर ज्यादा देर ठहर नहीं पाई और वहां भी स्थिति साफ हो गई। लेकिन वहां से एक जो दुख की खबर है बीजेपी के लिए, बीजेपी खेमे के लिए, वो ये है कि उनके मुख्यमंत्री अपनी ही सीट बचा नहीं पाए और अपनी ही सीट को हार गए। तो ये एक उनके लिए झटके वाली खबर है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि उनकी पार्टी जो है वो वहां पर जीत चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में भी जीत चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी अब बीजेपी, इट्स वेरी क्लियर कि अब बीजेपी जो है वो उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो लगातार जिस तरीके से अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने थे, हालांकि बसपा का जो खेल है वो बहुत ज्यादा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो बसपा जो है, दरअसल आज तस्वीर तो ये कह रही है कि बसपा कांग्रेस से कॉम्पीट कर रही है और कांग्रेस से भी कॉम्पीट नहीं कर पा रही है। बसपा एक और कांग्रेस दो ये चल रहा है, ये खेल चल रहा है। लेकिन आज तस्वीर कुछ ऐसी है, हाथी एक सीट पर, एक सीट के साथ, तो हाथी जो है एक सीट के साथ जो है संतुष्टि बनाए हुए हैं और कांग्रेस दो सीटों के साथ। तो हाथी की तस्वीर यह है कि दो कांग्रेस जो लिए घूम रहा है उसके साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी कार्यालय, जहां से आपको बता दें कि लाइव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पीसी भी हो सकती है। तो ये देखिए लाइव फुटेज सीधे